नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि 777, 888 और 999 का योग 999 ही होना चाहिए और वो कैसे होगा, केवल आपको जोड़ना है। वो आप आड़ा जोड़ो, खड़ा जोड़ो, तिरछा जोड़ो, मतलब हॉरिजेंटल जोड़ सकते हो, वर्टिकल जोड़ सकते हो, किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हो, लेकिन आपको आंसर 999 लाना, 999। ठीक है, तो वो कैसा करते हैं, आपको काम आएगा। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो तो एक आपके तार्किक शक्ति के हिसाब से है, आपके तार्किक शक्ति को या माइंड को थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा। हालांकि आप तो ऐसे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है वो आदमी ऑलरेडी टैलेंटेड रहता है, तो फिर भी हम उसमें एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं। ये मेरे बचपन का सवाल था, मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि इसका योग बेटा कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चैनल मोर क्रिएटिव प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो हो, आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमें क्या करना है सर, देखिए आप, ये देखिए आप, ये क्या होता है ना, जैसे 777 है, 888 है, 999, आपको इसको जोड़ना है और हमको आंसर चाहिए 999। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे अपन, अगर ये 7 8 9 जोड़ते हैं तो भी नहीं होता, 7 8 9, 7 2 14, 15 15 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 24 हो जाएगा, 24 की 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है ना, ये ऐसा मतलब एकदम यानी अपन वर्टिकली जोड़ेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। अपन को क्या करना है ना, इसमें दो दो तीन तीन डिजिट ले ले करके करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन जानते हैं, अपन ने इसको देख लिया, बीच के अंक को भी देख लिया, इधर भी जोड़ लिया। ठीक है, अपन को करना क्या है, ये जो 777 777 888 999 ना, बहुत मुश्किल से बना था ये सवाल। जब मेरे को मेरे दादाजी ने ये सवाल हल करने दिया था, बेटा बोले इसको करना है, तो मेरे से नहीं बना, मैंने कम से कम 3 दिन का टाइम लिया, फिर भी नहीं बना था। फिर मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा आपको जोड़ना है बस। उस समय मैं 6ठी क्लास में था, ठीक है, जोड़ना है बस, नहीं बना पाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जोड़ना है तो ऐसा जोड़ो, वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, 7 7 आड़ा भी जोड़ सकते हैं अपन, ये 7 और ये 7 कितना हुआ, यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, ये दोनों को जोड़ लो, 7 7, ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों जोड़ लिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 14। ठीक है, फिर ये दोनों को जोड़ लिया अपन ने, ये 8 8 कितना हो गया, 16। फिर अपन ने A1 को जोड़ लिया, ये कितना हो गया, 9। अब इसको प्लस करो आप, कितना होगा, 6 4 10 और 9 19, 19 की 9, हासिल आया 1, और 1 1 और हासिल आया 1 1, कितना हो गया, 3। ठीक है, 3, ये हो गया 39, 39 की अपन ने 9 रख दिया यहाँ पे, हासिल आया 3, तुम्हारा बच गया। ठीक है, ये अपन ने 9 रख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 7 8 और ये 9 9। ठीक है ना, अब अपन को यहाँ पर भी 9 चाहिए, तो 9 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको जोड़ते हैं, ये 8 बचा है और हमारे पास अभी ये अपन ने ये 7 7, ये 8 8, ये 9 ले लिया, ये 7 में मतलब 14 हो गया, 8 2 16 हो गया और ये 9 जोड़ लिया, अपन इनको जोड़ लिया, 39 हो रहा है, 39 की ये 9 आ गया,
हासिल आया 3। ठीक है, अब अपन के पास बचा है ये 7, ये 8 और ये 9। 9 अपन को क्या करना है, अब देखते हैं अपन कोशिश करके। 8 जोड़ेंगे, 8 और 7 कितना हो रहा है, 15 हो जाएगा। 15 ये 9, 9 की अगर 9 अगर हम यहाँ उतार लेते हैं, है ना, और लेकिन अभी हमारे पास हासिल का 3 भी बचा है, उसको भी जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं 9 दूनी 18, 18 और फिर हासिल का 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 7 में 3 जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 हो रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। 8 में 3 जोड़ते हैं 11 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अपन को क्या करना है, अपन देखो क्या करते हैं, ये 9 9 है, ठीक है ना, ये 9 9, 9 9 जोड़ते हैं, 9 9 कितना होगा हमारा, 18। ठीक है, और हमारे पास कितना है, एक 8, 8 बचा था ना, ये वाला 8 बचा था ना, इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 की 6 और 1, 1 और 1, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का, या 1, 1 और 1 2, और हमारे पास हासिल का कितना आया था, 3 बचा था ना, ये 3 हासिल आया, 3 है ना, इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया 29। ये कितना हो गया हमारे पास, 29। ठीक है, अब 29 हो गया तो 29 में ये 9 हो गया। ठीक है, हासिल आया कितना बचा है हमारे पास, ये 2 बच गया है। ठीक है ना, ये 2 बचा हुआ है। अब अपने पास ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब बचे हमारे पास 7। 7 में हासिल आया 2 जोड़ देंगे, 7 और 2 9। ठीक है, हो गया, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सही है, समझ में आया, करके देखो, मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। ठीक है, आपकी तार्किक शक्ति को काम देगा एग्जाम में, दिमाग में अगर अपन ने शांति बनाए रखा तो दिमाग की जो तंत्रिकाएं होती है सो जाती हैं, इसमें कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल हो, चाहे आप दूसरे भी कर सकते हो, है ना, मैं तो एक आपको क्लू दे रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हो या कर रहे होगे तो ऐसे इसी से मतलब थोड़ा सा दिमाग खुलता है और आपके काम ही आएगा, कहीं ना कहीं से किसी न किसी कारण से आपके काम ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे अभी टोटल कम से कम 470 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया मुझे और सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। इसी प्रकार से मैं आपको, आपके लिए नई नई जानकारियाँ जुटाते रहूँगा और आपको देते रहूँगा, तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।